स्वागत है आप सबका द 100 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच में, जो खेला जाएगा हेडिंगली लीड्स के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 11 बजे। ये टेबल टॉपर्स का मैच है, दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं ओवल की टीम की, जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले स्थान के ऊपर है। इस टीम ने 3 मैचेस खेला है, 2 जीता है, 1 मैच इनका टाई हुआ है अगेंस्ट वेल्शायर। उस मैच में वैसे वेल्श फैन जीतनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, टॉम ग्रेन बहुत अच्छी इनिंग्स खेल गए थे उस दिन। तो इनका नेट रनरेट देखिए आप, प्लस के अंदर 1.609 है। वहीं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छी टीम है। इसने भी 3 मैच खेला है, 2 जीता है और 1 मैच इनका नो रिजल्ट गया है। तो लगभग दोनों टीम की एक जैसे कंडीशंस है, बस नेट रनरेट का फर्क है, प्लस के अंदर 1.575 है। तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है, क्योंकि टूर्नामेंट में होता ही है कि 8 टीम्स खेलती हैं और टॉप 3 टीम क्वालिफाई करती है। और बड़ी बात यह है, जो टीम पहले स्थान पे फिनिश करती है ना, वो सीधा फाइनल में जाती है भाई साहब, सीधा। तो आप सोचो कितना बढ़िया गेम आपको देखने को मिलने वाला है ये। तो लेट्स सी, बहुत ही रोमांचक मैच है। कल के दिन क्या हुआ था तो आप देख सकते हो, मैं पहले ही रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, खुद की टीम बनाओ। हुआ कुछ नहीं था, 33 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे थे, 33 के 33 वहाँ पे विन करे थे। कोशिश करेंगे फॉर्म बरकरार रखें। कल की बात थी, कल की बात बीत चुकी है, आज नया दिन है। तो आज अपन फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो आप देखिए, 25 मेंबर्स में पहला रैंक आया था, यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला, इसमें दूसरा आ गया, इसमें पहला। तो जितनी मिनी जेल थी 25 मेंबर्स की, मोस्टली सब में पहला रैंक आया था। कोशिश करेंगे अभी फॉर्म लेके चले। बस यहाँ पर अपने पास होते कौन, मेरे को पता था विल्ली बॉलिंग बहुत कम करेगा, बिकॉज लास्ट गेम में आपने देखा हो, जो कैप्टन है टॉम एबल, आप हमेशा एक फैंटेसी टीम बनाते टाइम कैप्टन की तरह सोचा करो कि टॉम एबल विली से कम बॉलिंग करा रहे हैं, बिकॉज इनके पास डेविड पेन है, इनके पास अफरीदी, हैरी श्रॉफ है, रोल्ला फंडर मऊआ है, इनके पास बैन ग्रीन है जो वेरिएशंस करता है। तो विली का रोल थोड़ा सा कम हो गया था उस गेम में, विकेट को देख के भी। तो इस तरह से आपको लॉजिक रखना पड़ता है। अगर विली के बल्ले यहाँ पे अपने पास होता मोइन अली, भाई 2500 की जो मिनी जेल थी उसमें पहला रैंक आता। बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे और बेटर करें। वही तो अपन हर दिन उठते हैं सुबह नई उम्मीदों के साथ, वही कोशिश करेंगे और बेटर करें। इस वीडियो के अंदर आपको देखो करीबन 80 स्लाइड्स देखने को मिलती है, एग्जैक्ट नंबर 78 स्लाइड्स है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। इस मैच में भी आपको 20,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा द 100 के अंदर। तो साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। यहाँ पे खेलने का फायदा क्या है, यहाँ पे खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप 3 बैटर्स यहाँ पे ले सकते हो, वाला रूल है 3 बैटर्स का मिनिमम। और दूसरा फायदा यह है, 500 रुपीज आपको फ्री में साइन अप बोनस मिल जाता है। कोई आपको दिक्कत होती है आपको भाई सॉल्व करवा के देगा। और यहाँ पे 0 कमीशन कॉन्टेस्ट लाइव होता है, जिसमें आपको 1 रुपये कमीशन देना नहीं पड़ता। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्या फ़ायदा है। यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है, पिच रिपोर्ट रिगार्डिंग, कोई प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहा, क्या रीज़न है, और टीम के अंदर एक प्लेयर नया आया तो उसका क्या रूल हो सकता है, सब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं, हेडिंगली लीड्स के ऊपर ये मैच है। यहाँ पे वैसे 3 अगस्त को मैच होना था, कौन सा मैच होना था, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस बर्मिंगम का, बट हुआ गया, बारिश आ गई और मैच वहाँ पे कोल्ड ऑफ हो गया था। तो आप देखो, इस वेन्यू के ऊपर ऑफिशियली लास्ट मैच हुआ था 31 अगस्त को हुआ था 2022 के अंदर, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस सदर्न ब्रेव का गेम था। उसमें हुआ क्या था भाई, हुआ कुछ नहीं था। पहले जो टीम बैटिंग करने आती है 135 बनाती है, जो टीम चेस करने आई 119 पे 9 विकेट गंवा देती, टारगेट चेस नहीं कर पाती, 208 बना। ये बहुत अच्छा वेन्यू रन्स के लिए, जो टीम चेस करने आती है 185 पे 7 विकेट गवा के टारगेट चेस नहीं कर पाती है, 143 बना 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आई 82 बॉल्स के अंदर टारगेट चेस कर गई। उससे पहले 152 बना 8 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो यहाँ पर 6 बॉल रहते टारगेट चेस कर गई। तो यहाँ पर औसत रन स्कोर 140 प्लस आपको देखने को मिलेगा, 117 तक तो यहाँ पर बनता ही है। बहुत अच्छा वेन्यू है, बैटिंग पैराडाइज के रूप में उसको देखा जाता है, बहुत रन बनते हैं इस वेन्यू के ऊपर। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को होम ग्राउंड है, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 8 मैच खेला है, 3 मैच जीता है, 5 मैच हारा है। ओवल यहाँ पर 1 मैच खेल के 1 मैच हारी है। बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए 2 मैचेस जीते गए, पिछले साल यहाँ पे 4 मैचेस खेले गए थे। विकेट कॉलम को देखते हैं, लास्ट 4 गेम्स के अंदर इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 31 विकेट निकाला है, पहली पारी के अंदर 16, दूसरी पारी के अंदर 15। तो बोथ द इनिंग्स पेसर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, लगभग बराबर ही, राइट आर्म पेसर का 16, लेफ्ट आर्म पेसर्स भी गेम में आते हैं, बिकॉज इस टीम में आपको वेन परनेल दिखते हैं, टोपली दिखते हैं, तो उनके पास वैसे लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं। और स्पेंसर जॉनसन भी आपको लेफ्ट आर्म पेसर इस मैच में दिखेगा। क्या स्पेल था भाई इस बंदे का, 20 बॉल 1 रन दिया, दिस इज द ड्रीम स्पेल, और 3 विकेट निकाले भाई ने, अनप्लेबल था। सामने बटलर, सॉल्ट सब थे, टर्नर था,
क्या यार बॉलिंग थी भाई की, मतलब हैट्स ऑफ यार, क्या बॉलिंग थी उस भाई की। 15 विकेट्स है स्पिनर्स के, पहली पारी के अंदर 9, दूसरी पारी के अंदर 6। ऑफ स्पिनर्स का 2 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 8 विकेट है, लेफ्ट आर्म चुन का 1, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 4 विकेट है। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको पिचेस की फोटो की तरफ। ये देखिए आप, लास्ट मैच के अंदर इस पिच का इस्तेमाल किया गया था। स्टम्प कैम से आपको ऐसी पिच दिखेगी, ये पिच में ग्रास रहती है जो पिच को होल्ड करके रखती है, रन्स यहाँ पे बनते हैं। ये आप देखें, बहुत अच्छी पिच होती है रन्स के लिए। ये सामने की बाउंड्री भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। डेविड विसा बॉलिंग कर रहे हैं, सामने बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक जेम स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, डाउन द ट्रैक आके छगा मारा था भाई को। ये आप देखें, ऐसी पिचेस यहाँ पे दिखती है। ये देखो आप वीडियो भी मेरे पास, इसका थॉट ऑफ टू नाइट स्टेज डायमेंशंस। बहुत छोटा मैदान है, 67 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज है, सामने मात्र 65 मीटर का स्टेडियम है। ये स्टेडियम ऐसा है देखो, ऐसे गोल आकार में है, फिर एक एंड पे आके ऐसा चपटा हो जाता है पूरा, एकदम सेमी सर्कल की तरह एकदम ऐसा पूरा एकदम ऐसा हो जाता है सपाट सपाट। याद आया डायलॉग वो कागर कोंडिया, कौन सा मूवी था यार वो, एक अक्षय कुमार की मूवी थी, वो रोलर वाली मूवी थी वो, ऑफिस के बाहर, मतलब खतरनाक मूवी भाई साहब वो। तो आप देखिए बाउंड्री डायमेंशंस आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। स्टेडियम का व्यू है, ये बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है। चलते हैं वेदर फोकास की तरफ। 0% चांसेस ऑफ रेन है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज ये होती है रेन की, जो आपको ये दिख रही है ये होती है परसेंट ऑफ रेन, 0% है, 0% है, तो पूरे दिन बारिश नहीं है यहाँ पे। दोनों टीम्स ने आपस में 2 मैच खेला, दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है, और ये भी आपको ध्यान देना है, एडम जेम्पा रिप्लेस करेंगे सुनील नारायण को 13 अगस्त से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, माइंड में रखना आपने। टॉम बेंटन ओपन करेंगे नॉर्दर्न सुपर चार्ज के लिए मैथ्यू शॉट के साथ। हैरी ब्रुक 1 डाउन, एडम ओस 2 डाउन, असैब जैब आते हैं, फिर डेविड वी से, ब्राइडन कर्स, वैन बर्नेल, आदिल राशिद, रीस टॉपली, कलम परकिंसन। बेंच पे एडम लाइट जाएंगे, बेस्ट जिले बेंच पे। बेन स्टोक्स वापसी कर सकते हैं, बट लेट्स होप कब तक करेंगे। जसन रॉय ओपन करेगा लाइक विल जॉक्स के साथ, फिर आएगा यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स, हेनरिच क्लासेन, सैम गरन, सैम ब्लिंग, स्टॉम गरन। सुनील नारायण का शायद लास्ट मैच हो सकता है, अगर ये मैच मिस करते हैं तो उनका जैम्पा रिप्लेस करेंगे। स्पेंसर जॉनसन है, गस अटिंगसन है, नैथन स्वोटर आपको खेलता हुआ दिखेगा। टॉम ग्रैंड इस मैच में बेस्ट आना चाहिए। टॉम बेंटन 2 मैचेस में 17 रन से एट के अंदर अगेंस्ट ओवल, बैटिंग फर्स्ट 2, चेस के ऊपर 15, वेन्यू के ऊपर 4 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए। लेट्स होप किस तरह से इस गेम में खेलेंगे, होप क्या मतलब, लेट्स सी कैसा खेलते हैं। मैथ्यू शॉट हेड टू हेड नहीं खेला, जिस वेन्यू के ऊपर 2 विकेट निकाला था भाई ने, जब बॉलिंग करी थी शदाब खान को आउट किया था आपको याद हो तो, डैन माउसली को बोल्ड किया था, तो 2 विकेट यहाँ पे निकाले थे इसने। बारिश आ गई थी, मैच पूरा नहीं हुआ था, पहली इनिंग्स से कुछ बॉल्स हुई थी सिर्फ। हैरी ब्रुक 1 मैच में 47 रन से हेड टू हेड के अंदर चेस करते हुए आया था, वेन्यू के ऊपर 28 मैच के अंदर 907 रन से। लोकल क्रिकेटर है यहाँ का हैरी ब्रुक, 50 के ऊपर औसत था, 550 है वेन्यू के ऊपर, 8 बार 30-50 के बीच में स्कोर किया 28 इनिंग्स में बैटिंग करके। लास्ट गेम में 0 पे आउट हुआ था एडम होस लास्ट मैच में भाई, इसके पास बहुत अच्छा चांस था हाफ सेंचुरी बनाने का, बट जो रूट की बॉल पे आउट हो जाता है। हेड टू हेड के अंदर 13 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 222 रन से 160 का स्ट्राइक रेट है। फॉर्म 14-22-20-14-30-9, चेस के ऊपर 43-59-11। सैफ जैप का 2 मैच में 9 रन से बैटिंग फर्स्ट, 5 और 4, चेस के ऊपर है, हेड टू हेड नहीं खेला भाई ने। ब्राइडन कर्स का हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए। वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 3 विकेट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को प्लेयर लगता नहीं है, मूडी प्लेयर है चला तो चला, राम भरोसे वरना कुछ खास नहीं। वीसा 2 मैच में 2 रन है, 1 विकेट है, 13 की इकोनॉमी है भाई साहब, ये मेजर लीग से बहुत मार खा रहा है, बहुत ज़्यादा बॉलिंग के अंदर पिटाई हो रही है इनकी, करीबन 13-14 की इकोनॉमी इसके रिसेंट गेम्स के अंदर। लास्ट मैच में भी 10 बॉल डाली थी, प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बने थे, बट आप याद रखो बॉलिंग बहुत खराब हुई थी इनकी। 10 बॉल डाल रहे हैं पिछले 2 मैचेस से, तो इनका रोल क्लियरली दिख रहा है टीम के अंदर, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं जो 10-5 बॉल डाल के थोड़ा सा मैच को कंट्रोल कर ले, बस वही इनका काम है। 11 मैचेस में 8 विकेट हैं वेन्यू के ऊपर, 4 बार विकेट लस गया, 10 की इकोनॉमी है वेन्यू के ऊपर। वैन पर्नेल का 4 मैच में 6 विकेट हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भाई का यहाँ पे, 63 रन विद द बैट, रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत अच्छा है, विकेट्स बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। आदिल राशिद लोकल क्रिकेटर है यहाँ का, यॉर्कशायर का होम ग्राउंड है ये, यॉर्कशायर का क्रिकेटर है और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स यॉर्कशायर टीम से बनी है। 64 मैचेस में 75 विकेट्स है वेन्यू के ऊपर। हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 4 विकेट है, 10 का स्ट्राइक रेट है, हर 10 बॉल में इसको इस वेन्यू पर हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट मिलता है। टॉपली 2 में 1 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, 1 मैच में 1 विकेट है बॉलिंग सेकंड, 1 मैच में 0 विकेट है। कोलम परकिंसन 7 मैचेस में 8 विकेट हैं वेन्यू के ऊपर, बहुत अच्छा स्पिनर है और देखने को मिलता है इसकी क्लास। लास्ट गेम में देखा होगा मलान का आउट किया था वहाँ पे, एक और प्लेयर का आउट किया था, हमने टीम में भी था बट कोई खास फर्क पड़ा नहीं था वहाँ पे।
एडम लाइट के स्टैट्स हैं, बैच लड़े के स्टैट्स हैं, मैथ्यू पॉट्स के हैं, ओली के हैं, बेन स्टोक्स के हैं। स्टार्टिंग और देखो पिछले मैच में क्या हुआ था, टॉबली ने पहली 5 बॉल डाली, 67 से 70 डाला, 76 से 80, 96 से 100। आमतौर पर क्या होता है टॉबली 10 बॉल तो पावर प्ले में डालता है, पर लास्ट गेम में सिर्फ 5 बॉल डाली थी। मैथ्यू शॉट 6 से 10, 21 से 25, कुलम परकेसन 11 से 20, 10 बॉल, 56 से 60, 61 से 65, बहुत अच्छा स्पिनर है। पर्नेल 26 से 30, 46 से 50, 81 से 85, 91 से 95। आदिल भाई 31 से 40, 10 बॉल डालती, 5 बॉल 51 से 55, 71 से 75। विसा 41 से 45, 86 से 90। इसका एक सेट डेथ में आ ही जाता है, एक जो 5 बॉल का सेट होता है वो। पिछले 2 गेम से 10-10 बॉल डाली है भाई ने सिर्फ। रॉय 2 मैचेस के अंदर 52 रन से एट टुडे के अंदर अच्छा क्रिकेटर है। लास्ट गेम में 59 किया था इसने, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 52 नाबाद, चेस के ऊपर 0 है, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 62 रन है। विल जैक्स का 2 रन है और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 0 कहीं पर नहीं है यार, 0 नहीं है ये, बैटिंग फर्स्ट में 2 रन है, वेन्यू के ऊपर भी 2 रन है और देखते हैं कैसा खेलता है। लास्ट गेम में अच्छा खेला था, 32 रन बनाया था, 3 कैचेस भाई ने पकड़े थे वहाँ पे। जॉर्डन कॉक्स 1 मैच में 48 रन से एट टूट के अंदर चेस करते हुए बनाया था, लास्ट गेम में 17 रन की पारी थी, एक कैच पकड़ा था। ये बहुत अच्छा फील्डर है, लॉन्ग बॉल लॉन्ग ऑफ कवर्स के क्षेत्र में रहता है जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा आती है, हॉटस्पॉट जोन के अंदर। क्लास इन हेड टू वेन्यू नहीं खेला, लास्ट गेम में 60 रन की पारी कौन भूल सकता है अगेंस्ट मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। ओसाम अमीर को मारा था भाई ने, सबको मारा था वहाँ पे, पकड़ के धोया था एक एक को। सैम गरन हेड टू के अंदर 60 रन प्लस 1 विकेट है, लेट्स सी इस मैच में क्या करता है भाई, वेन्यू के ऊपर इसने नहीं खेला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है ये। सैम बिलिंग्स 1 मैच में 3 रन है बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर भी वही हाल है, इनके रिसेंट फॉर्म खास नहीं है। टॉम करन का 2 मैच में 2 विकेट है प्लस 52 रन है, खेलेगा तो मस्ट पिक है, इवन वाइस कैप्टन कैप्टन कर सकते हो आप। वेन्यू के ऊपर 2 में 2 विकेट है, अच्छा क्रिकेटर है यार ये नारायण, बहुत ज़्यादा इंप्रूव है टॉम करन में। पिछले कुछ सालों को देखता हूँ तो आईपीएल में आना चाहिए, किसी टीम को पिक करना चाहिए उस बंदे को। नारायण का 2 मैच में 4 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 22 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हो प्लस 1 विकेट है, लास्ट गेम हो सकता है नारायण का, क्या पता है मैच भी मिस कर दे, अंदर की न्यूज़ नहीं आई है, बट ये खेलना चाहिए। एटिंगसन हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट इस तरह से रहा है, बहुत अच्छा डाल रहा है ये। स्पेंसर जोसन का स्पेल कौन भूल सकता है लास्ट मैच का। नैथन स्वेटर का 1 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 7.5 की इकोनॉमी है। रॉस वाइटली शायद ही खेलेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, खेलते हैं तो भी जैक चपल अच्छा बॉलर है, डैनी विल्क्स के स्टैट्स देख सकते हो। एडम ज़ेम्पा आते हैं स्टार्टिंग ओवर लेके देखो, स्पेंसर जॉनसन ने क्या किया, पहली 5 बॉल डाली, 11 से 15 डाला, 61 से 70। एटिंगसन 6 से 10, 16 से 20, 2 सेट पावर प्ले में होते हैं, मतलब 10 बॉल, फिर 46 से 50, 86 से 89। सैम करन का इस्तेमाल कम हुआ, 21 से 25, 81 से 85। नैथन स्वॉर्डर 26 से 30, 41 से 45, 51 से 55, 71 से 75, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। बटलर का आउट किया था वहाँ पे, एक और प्लेयर का आउट किया था जो सेट थे, नारायण आई थिंक पॉल वाल्टर था वो अलॉन्ग विद द जॉस द बॉस। नारायण 31 से 40, 56 से 60, 76 से 80। मैचअप्स देखते हैं, टॉम बेंटन का मैचअप है सैम करन के सामने, 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने टॉम बेंटन को दिक्कत होती है, लास्ट मैच में आपने देखा होगा जो लेफ्ट आर्म पेसर था ल्यूक वुडे अगेंस्ट नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, क्या बॉलिंग करी थी भाई ने वहाँ पे, तो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि टॉम बेंटन अगेंस्ट सैम करन फंस सकते हैं। 7 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं, नारायण सामने होंगे टॉम करन के सामने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट हो चुका है, हैटिंगसन के सामने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ टॉम बेंटन, 37 बॉल में 45 रन है। मैथ्यू शॉट वर्सेस नारायण टॉम करन ज़ेम्पा, एक एक बार सबने आउट किया हुआ है भाई को और स्पिन के सामने फंसता भी है, नारायण इसको इजिली निकाल सकते हैं दिन के हिसाब से, दिन मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर नारायण बॉलिंग ख़राब करे मैथ्यू शॉट के अगेंस्ट तो फिर बात ही अलग है, वैसे बहुत अच्छा स्पिनर है। वीसा वर्सेस नारायण 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है, 23 बॉल में 12 रन है, सैफ ज़ेप का कोई खास दिक्कत नहीं है। एडम होज वर्सेस नारायण 10 बॉल 3 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। नाक से बोल रहा हूँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे दोनों नाक बंद है पूरे, क्या ही बोलूँ मैं। एडम लाइट वर्सेस डैनी ब्रिक्स 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 16 बॉल में 17 रन देके, और कोई खास मैचअप नहीं है, स्ट्रोक से खेल सकते हैं अगेंस्ट नारायण फंसते हैं वो। जसन रॉय वर्सेस डेविड विसे 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं, 34 बॉल में 71 रन है, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट जरूर है। पर्नेल को भी जसन रॉय अच्छा खेला है, 6 इनिंग्स में 1 बार आउट हुआ है। विल जैक्स वर्सेज आदिल रशीद 3 बॉल 2 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, बैडन क्रस ने 1 बार आउट किया हुआ है। जॉर्डन कॉक्स वर्सेज पर्नेल 7 बॉल में मात्र 1 रन है,
क्लासेन वर्सेज आदिल राशिद, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 75 बॉल में 96 रन देके। वैसे क्लासेन बहुत अच्छा हिटर ऑफ द स्पिनर है, सैम करन बहुत अच्छा स्पिनर को हिट करने वाला क्रिकेटर है, तो उनके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाले क्रिकेटर्स है। बट जो प्लेयर है ना आदिल राशिद, यह अलग कैलिब्रा का स्पिनर है, अलग ही जोन का स्पिनर है। बट लेट्स सी, सैम करन वर्सेज आदिल 22 रन से 12 गेंदों के अंदर मारा भी है, पर 2 इनिंग्स में 1 बार आउट हुआ है। सैम बिलिंग्स का आप देख सकते हैं, टॉम करन वर्सेज देख सकते हैं, नारायण वर्सेज वीसा 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 9 बॉल में 7 रन देके। और तो और कोई खास मैच है, जिम्मी आएगा देखना, अच्छा प्लेयर है। 20,000 रुपये का गिव अवे, साइन अप कर लेना विजन के ऊपर, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन सैम करन नारायण, अलग जाना तो टॉम करन है, डेविड वीसे हैं। वीसे प्योरली विद द बैटिंग स्किल्स जो पोस्ट करते हैं बहुत अच्छे हैं, इनके पास स्किल्स है। लास्ट गेम में से ड्रॉप हुआ था 2 बार, इजी कैच थे, एक तो 12-13 रन पे ड्रॉप हुआ था, एक तो 30 रन पे ड्रॉप हुआ था। बट कोई नहीं, मैं आपको गिनाऊंगा नहीं यार, वो तो दर्द अपने लिया नहीं था मैंने, इसलिए क्लास ए ना वैन परनेल रोटेटेबल प्लेयर्स है। 1 मिलियन मिशन है, देखते हैं कब तक यार पूरा कराते हो आप लोग। मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वेबसाइट भी stats.com, स्टैट्स आप चेक कर सकते हो। रीजन के लिए टीम्स की बात करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर किया करो, अच्छा लगता है देख। तो फिलहाल मैंने कैप्टन किया हुआ सैम करन को, हेडवर्ड के अंदर नंबर्स अच्छे हैं भाई के, अच्छा क्रिकेटर है, बस वही है कि यार बॉलिंग करे थोड़ी ज़्यादा। पर सामने बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप आप देखते हो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के पास, नंबर 10 तक पूरी बैटिंग, आदिल राशिद तक फर्स्ट क्लास में कितनी सेंचुरीज कर चुका है, तो ये बहुत बैटिंग है यार, कुलम पर्कसन को छोड़ के सब बैटिंग कर लेते हैं। इस वजह से मैंने लिया सैम करन को कैप्टन, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे इस गेम में, क्योंकि हिटिंग इस टीम की होने वाली है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। शॉट को मैंने प्योरली लिया है ऑलराउंडर स्किल की वजह से, लास्ट गेम में 10 बॉल डाली थी भाई ने। इस गेम में अगर आप देखते हो मुश्किल से रॉय के सामने तो बॉलिंग करेगा नहीं, विल जेक्स के सामने बॉलिंग करेगा नहीं, इस गेम में शायद मैथ्यू शॉट बॉलिंग ही ना करे ये भी हो सकता है, क्योंकि क्लास इन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, सैम करन के सामने करने आ सकता है, बट क्लास इन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे और मैथ्यू शॉट बॉलिंग करे ऐसा देखने को मिलेगा नहीं आपको। और मैथ्यू शॉट नई गेंद से फेस करेगा स्पेंसर जॉनसन को जो अलग ही फॉर्म में, सैम करन को फेस करेगा, गस हटिंगसन को फेस करेगा, तो मैथ्यू शॉट विकेट फेंक सकता है इजिली। बट वही है, बॉलिंग करने आ गया तो यार कुछ भी करके जा सकता है, लास्ट टाइम इस ओनली में 2 विकेट निकाल गया था आके। नारायण है वाइस कैप्टन, विसास प्योर ऑलराउंडर स्किल्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट लगे। कॉक्स लिया हुआ है टॉपली, परनेल को ड्रॉप नहीं कर सकते जिस तरह के फॉर्म के अंदर है, तो इस तरह से टीम बन रही है। बस शॉट को जनता ने 33% कैप्टन किया, मेरे समझ के बाहर क्यों किया है, लास्ट गेम में भी जनता ने किया हुआ था, उसको बात भी करती मैंने, आप मत करना। टॉम बेंटन आप ट्राई कर सकते हो, मैं सैम बिलिंग्स को नहीं लिया, मैंने लिया जॉर्डन कॉक्स को। बैटिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेगा अपना क्लासेन, ब्रुक को अपन लास्ट मिनट पे ले सकते हैं बिकॉज इसका होम ग्राउंड है, लोकल क्रिकेटर है यहाँ का, विल जैक जसन रॉय, लेट्स होप किस तरह से इस गेम में खेलेंगे। शॉट लेट्स सी क्या होता है, नारायण इंपॉर्टेंट, सैम इंपॉर्टेंट, विसा इंपॉर्टेंट, टॉम करन खेलेगा तो मैं ले लूंगा, बॉलिंग में चले तो वैन परनेल इंपॉर्टेंट, टॉपली इंपॉर्टेंट है, मैंने लिया स्पेंसर जॉनसन को। आदिल राशिद मैनेजरियल पिक बन जाता है, तो देखते रहे स्टैट्स, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर रात को 10:30 बजे, सी यू सून, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।